पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण किसे कहा जाता है? इस लोक को, इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को, इस पृथ्वी को, पूरे कॉस्मोस को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो जलवायु है जिसके अंदर हम जीते हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण सबकी माँ है। पर्यावरण एक नेचर है जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, जो कि मात्र उत्पत्ति स्थान है और जीवित आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है, उन सभी प्राणियों को जन्म देने वाला पर्यावरण नेचर माँ है, प्रकृति माँ है। और ये पर्यावरण जो है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच भूतों से पर्यावरण बनता है और पांच भूतों के समवाय को हम पर्यावरण कहते हैं। और इन पांच भूतों से हर मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र इन पांच भूतों से जन्म लेता है, पांच भूतों से पोषित होता है, पांच भूतों से जीवन भर सारा कार्य करता है और अंत में जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, जब राम नाम सत हो जाता है, तब वो जो शरीर है वो जड़वत जला दिया जाता है और इस शरीर में से पांच भूत निकल करके पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में पुनः विलीन हो जाते हैं। इस तरीके से ये पर्यावरण अनादि अनंत रूप से भूत भविष्य वर्तमान के अंदर एक से रहते हैं, जिसको हम नेचर कहते हैं और इसके कानून बने हुए हैं जिसको हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। इसकी रचना है, इसको हम कुदरत कहते हैं। तो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत ये सब कुछ संचालित होता है।